एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियाँ देख आपका मन उनसे चिपकने को दौड़ेगा, और यहाँ की लड़कियों के साथ संबंध बनाने पर आपको सरकार देती है मोटा पैसा। आपको पता है यहाँ पर रोबोट द्वारा कैमल रेस करवाई जाती है। साथ में इस देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा टायर का डंपिंग यार्ड बनवाया गया है। यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली समुद्री बोट चली थी, और यही वो देश है जहाँ से कई सारे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया। इस देश के लोग पैसा इतना कमाते हैं कि उनके अंदर पैसे की गर्मी होती है, और अगर इस देश की लड़कियों को आप एक बार देख लेंगे तो आपको गर्मी के साथ साथ बेचैनी भी अपने आप बढ़ जाएगी। देश की आबादी हमारे दिल्ली के किसी बड़े कॉलोनी से भी कम है, लेकिन फिर भी इस देश में हद से ज्यादा गर्मी है। ये एक ऐसा देश है जिनकी दौलत के सामने अमेरिका और इंग्लैंड भी फीके नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कुवैत की। दोस्तों कुवैत का पूरा नाम है दवालात अल कुवैत। साथ ही बता दूं कि इस देश की स्थापना 1613 में हुई थी। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर है। देश की कुल आबादी है 43 लाख के करीब। कुवैत में 100% लोग शहर में रहते हैं, यानी कि इस देश में कोई गांव है ही नहीं। कुवैत सिटी को कुवैत का हार्ट माना जाता है। सिटी की सीमाएं इराक और सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई है। कुवैत की बहुत सी बड़ी कंपनियों और निकायों की हेडक्वार्टर्स यहां स्थित है, और साथ ही ये अरब जगत का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार, जो दुनिया में सबसे महंगी करेंसी में से एक है। एक कुवैती दिनार करीब 242 इंडियन रुपीस के बराबर होती है। दोस्तों कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है, और ये अपना 60% तेल एशिया में ही एक्सपोर्ट करता है। कुवैत का तेल भंडार दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसकी खोज 1934 में हुई थी। कुवैत कितना अमीर देश है ये तो हमने जान दिया। अब बात करते हैं कुवैत के लोगों की, जिसके पास है बेशुमार दौलत। यहाँ की ज्यादातर आबादी अमीर है, और इनकी दौलत का जलवा चारों तरफ छाया हुआ है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ एक आदमी की सैलरी $71,000 है? जी हाँ, यानी करीब 53 लाख। यहाँ के लगभग हर एक इंसान के पास अपनी अपनी कंपनीज है, इसीलिए कुवैत की कुल 70% आय वहाँ के इंडस्ट्री से मिलती है। इनके लाइफस्टाइल भी कमाल के है। यहाँ के लोग महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, और एक से बढ़कर एक शानदार घरों में रहते हैं। मतलब सबके सब रईस है भाई यहाँ पर। तो दोस्तों दुनिया के सबसे गर्म देशों के लिस्ट में कुवैत भी आता है। कुवैत तो छोड़िए, सारे अरब देशों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी की वजह से वहाँ लोगों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ दिन में तो टेम्परेचर 55 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन जैसे ही कुवैत में भयानक गर्मी पड़नी शुरू होती है, वैसे ही यहाँ पर काम करने का तरीका भी बदल जाता है। यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उन्हें 2 शिफ्ट में करना पड़ता है। एक शिफ्ट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होती है, और फिर शाम में 5 बजे से रात में 10 बजे तक। दिन के समय में आपको यहाँ पर कोई भी बाहर घूमते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहर निकलता है वो तेज गर्मी की वजह से बीमार हो जाता है। दोस्तों कुवैत एक मुस्लिम देश है, और यहाँ कुछ कानून बहुत सख्त है। ये दुनिया के उन देशों में आता है जहाँ पर शराब पीना, बेचना या लेकर आने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों वाले देशों की अगर बात करें तो कुवैत इसमें भी बहुत ऊपर है। कुवैत की औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत होती है, और उनकी खूबसूरती देख दुनिया के लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब नियम है कि अगर आप कुवैत की किसी महिला को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वह महिला आपके पास वो गिफ्ट लेने के लिए नहीं आ सकती, बल्कि यहाँ के नियम के अनुसार उसके जगह उसके माता पिता या उसके भाई आएगा। इतने अमीर और एडवांस देश होने के बावजूद भी कुवैत में महिलाओं को लेकर सोच आज भी पुराने ख्यालात की है। कुवैत में पहली बार 2006 में वहाँ की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। उससे पहले यहाँ सिर्फ मर्द ही वोट दे पाते थे। इसको लेकर महिलाओं ने कई सालों से आंदोलन चलाया था, और इसके चलते वर्ष 2006 में आखिरकार मान्यता मिल गई। अब तो कुवैत में कई महिला सांसद भी है, और उन्होंने सराहनीय काम भी किए। वहाँ के लोग भी अब समझ चुके हैं कि पुरुष और महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कुवैत के लोग अपने खाली समय में सिर्फ और सिर्फ परिवार और अपने गिने चुने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुवैत में पीने वाले पानी की कीमत खाना बनाने वाली गैस से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि कुवैत में बहुत कम बारिश होती है। अगर देखा जाए तो एक साल में कुवैत में औसतन सिर्फ 2 दिन बारिश होती है, जो कि बाकी जगहों से बहुत कम है। इसीलिए यहाँ
समंदर के पानी का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। समुद्री नमकीन पानी को मशीन की मदद से नॉर्मल वाटर में तब्दील किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तभी तो कहा जाता है कि कुवैत से अगर तेल चला जाएगा तो उनके पास कुछ और नहीं बचेगा। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, लेकिन आप याद रखिए इस बात को कि आने वाले 8 से 9 सालों के बाद इस बिल्डिंग से भी ऊंचा टावर कुवैत देश में बनने जा रहा है। इसका नाम है बुर्ज मुबारक अल कबीर। कहा जा रहा है कि कुवैत की सरकार ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया है। 2030 में शायद बुर्ज मुबारक अल कबीर को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। कुवैत सरकार को विश्वास है कि इस टावर के बन जाने के बाद देश में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या आपको पता है कि कुवैत में रेलगाड़ी नहीं चलती? जी हाँ, कुवैत शहर में ट्रेन की सुविधा नहीं है। वैसे भी इतनी कम आबादी वाले देश में ट्रेन की क्या जरूरत है। वहाँ के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूमते हैं। कुवैत देश में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कुवैत यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हालांकि इसमें ज्यादा कुवैती लोग यहाँ पढ़ते भी नहीं है। स्कूल खत्म करते ही आधे बच्चे इंग्लैंड या फ्रांस में पढ़ाई करने चले जाते हैं। दोस्तों, कुवैत देश में कैमल रेस बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन 2005 के बाद से इस रेस में बच्चों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। फिर भी ये रेस बंद नहीं हुई। 2006 में कुवैत की सरकार ने पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों की ताकत दुनिया को दिखाई। 2006 में कुवैत में कैमल रेस बैन होने के बावजूद भी करवाई गई और इस रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक भी इंसान की मदद नहीं ली गई। दरअसल दोस्तों, इस रेस को रोबोट की मदद से दौड़ाया गया, जो कि बहुत बड़ा यूनिक इवेंट हुआ। क्या आप जानते हैं कि कुवैत देश में दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग एरिया है? यहाँ तकरीबन 80 लाख टायर्स पड़े हुए हैं और हर साल इस जगह पर करीबन 90 लाख से 1 करोड़ तक टायर डंप किए जाते हैं। इस टायर डंपिंग एरिया को आप फ्लाइट से भी देख सकते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े जगह में फैला होगा। कुवैत की शाम बहुत हसीन होती है। भयानक गर्मी की वजह से यहाँ पर दिन के समय कोई निकलता नहीं, लेकिन शाम के समय यहाँ पर होती है फुल ऑन मस्ती। कई सारे ऐसे नाइट क्लब्स भी है जहाँ पर कमाल का डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कुवैत की वो शानदार जगह जहाँ आप घूम सकते हैं। साथ ही बताएंगे क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेसेस और कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको। कुवैत टावर्स। कुवैत सिटी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में आता है ये टावर, जो शहर का लैंडमार्क है। ये 3 टावरों से बना है। 2 टावर को पानी के कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और तीसरा एक लाइटनिंग बॉल है। इनमें से सबसे ऊंचा टावर 180 मीटर का है और इसमें 4500 लीटर वाटर रिजर्व्स है और 90 गेस्ट रेस्टोरेंट है। दूसरा टावर 146 मीटर ऊंचा है और इसका इस्तेमाल भी केवल पानी के भंडार के रूप में ही किया जाता है। ये अपने रंग बिरंगी लुक के कारण बेहद शानदार दिखता है। लिबरेशन टावर। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 1220 फीट और कुवैत सिटी का ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये टावर एक राष्ट्रीय स्मारक है और दूर संचार टावर होने के बावजूद इसमें एक रेस्टोरेंट और एक ऑब्जर्वेशन डेक है। ये इमारत सिरेमिक टाइल से बना हुआ है। आपको बता दी कि लिबरेशन टावर एफिल टावर से 40 मीटर ज्यादा ऊंचा है। फाइला का आइलैंड। 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये कुवैत का एक प्रमुख पुरातत्विक स्थल है। इस द्वीप का संबंध भी उससे जोड़ा जाता है। माना जाता है कि उस समय यहाँ पर मनुष्य का निवास था। इसी द्वीप पर आक्रमणकारियों ने अपनी बस्ती बसाई थी। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कुवैत जाना चाहते हो तो आपको बता दें कि कुवैत का वीजा सबसे कम समय में मिलता है। अगर आपके पास सारे पेपर्स हैं तो मौजूदा 7 दिन के अंदर वीजा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था कुवैत। आपको कुवैत कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।